एंड से गेंदबाजी करेंगे। फैली हुई फील्ड, ऑफ साइड पर पॉइंट, कवर पॉइंट, माफ कीजिएगा एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। ओ हो, ये तो बिल्कुल तेज गेंद डाउन द लेग साइड, सुदीप भी नहीं रोक पाए और मेरे ख्याल से चार वाइड। सही, बिल्कुल सही डिसीशन अंपायर का। तो लगता है कि टॉप ऑर्डर में सारे ऑलराउंडर हैं। ध्रुव के हाथ से बॉल निकल गया, खुश नहीं है। ओह, सपोर्टर्स भी इतने खुश नहीं है, बहुत ज्यादा टेंस। और मुझे लगता है खिलाड़ी से ज्यादा जो है वो जो सपोर्ट है वो टेंस है। ये बढ़िया शॉट, आखिरकार रडार में एक बॉल आई और ऑफ द बैट पहले रन भोजपुरी दबंग्स के लिए। और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक आउटसाइड द ऑफ स्टंप, छोटी गेंद, जगह भी थी और कंट्रोल्ड कट शॉट। खासियत स्ट्रोक की ये थी कि कंट्रोल किया था सही। इस बार फिर कट किया और शायद चार रन और मिलेंगे क्योंकि थर्ड मैन को वाइड पोजीशन पे लेके गए थे कैप्टन सुदीप ने और ठीक उसी जगह, हालांकि थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा लगा था बल्ले का, कंट्रोल में नहीं थे इस बार। लेकिन ध्रुव की लंबाई जो है गेंदों की वो सही नहीं, शॉर्ट गेंद फेंक रहे हैं। और एक बार फिर कट किया और शायद चार रन और मिलेंगे। लगातार तीसरा चौका, उसी तरह की गेंद, हालांकि एक डीप स्क्वायर पॉइंट पे फील्डर भेजा था सुदीप ने, एक थर्ड मैन पे है स्क्वायर थर्ड मैन, लेकिन दोनों को चीरती हुई। इस बार थोड़ी बेहतर गेंद थी, करीब थी, फिर भी कट के लिए तैयार है। तो ये साफ पता लगता है कि ये बल्लेबाज को आगे ड्राइव करवाए क्योंकि बॉडी वेट जो है वो पीछे है और वो इंतजार में है कि हल्का सा रूम मिले तो मैं कट मारूं। तो देखिए आप 1.3 ओवर्स में 23 रन बन चुके हैं और पहला पूरा ओवर स्ट्रगल किया मनोज तिवारी ने उसके बावजूद में। तो भाई गाड़ी जो चल पड़ी है भोजपुरी दबंग्स की, 23 रन दूसरे ही ओवर में, यानी बहुत अच्छी रन बनाने की गति। और इस बार मिडिल और लेग पर थी गेंद, टर्न किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, जहां अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये दो शॉट जो खेले हैं वो उससे एकदम से पता लग गया कि उनकी स्ट्रेंथ कहां पे है। अंदर आती बॉल पे बिल्कुल ही हड़बड़ा गए, कोई फुटवर्क नहीं नजर आया और कट मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो गेंदबाज अगर ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करे तो T20 में भी बचा जा सकता है। ऐसी बात नहीं है कि यॉर्कर डालें तो आप को मार नहीं पड़ेगी, आपको देखना कि बल्लेबाज कैसे खेल रहा है, कहां पे खड़ा है। अगर वो अपनी डेप्थ यूज करता है क्रीज की तो वो यॉर्कर में भी छक्का लगाता है। तो आपको बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी करनी है। मनोज तिवारी ने अपना खाता खोला, स्टीयर किया थर्ड मैन की तरफ गेंद को और स्कोर अब है 25। कर्नाटका बुलडोजर्स की ब्रांड एम्बेसडर कृति बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही हैं। ये पहले हमने पहले मैच में मुंबई हीरोज के लिए भी देखा था, बहुत ज़्यादा कई बार जो खिलाड़ी उतने टेंस नहीं रहते जितने लोग। ओह, फिर से गैप में था पर आगे स्टार्ट नहीं लिया, मुझे लगा तो मौका बन सकता था। फिलहाल दूसरा ओवर समाप्त, 26 बिना किसी नुकसान के भोजपुरी दबंग।
फेंकेंगे। पहला ओवर मिक्स था, कुछ अच्छी गेंदें, कुछ गेंदों पर कंट्रोल नहीं, गति है उनमें जैसे इस तरह हमने देखा। और तिवारी ने इसे नज कर दिया, स्टीयर कह सकते हैं आप, लेकिन थोड़ा कंट्रोल सही नहीं था। तो आप देख सकते हैं कि उस प्रदीप की पेस से उनकी बिल्कुल टेक्निक अलग है, बिल्कुल दोनों पैर जोड़ के ओपन हो जाते हैं। और मनोज तिवारी भी दूर से खड़े खड़े बल्ला घुमा रहे हैं, तो थोड़ा सा ओवर उनके करीब, पैडों के करीब गेंदबाजी करें, ऊपर अप टू देम, तो ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर वहाँ से स्विंग हो गई तो बोल्ड भी हो सकते हैं। शॉर्ट ऑफ लेंथ, थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं क्या, ताकि फ्रंट फुट पे आके ड्राइव ना कर सके। लेकिन यादव ने अच्छा खेला है। अट्ठाईस है स्कोर। और ये स्क्वायर ड्राइव किया है, लेकिन एक ही रन मिलेगा। मनोज तिवारी ने इसे फ्लिक किया है, बहुत अच्छा शॉट, क्लियर किया मिड ऑन के सर के ऊपर से, देखना है चार रन। जी हाँ, बॉल ने बीट कर दिया फील्डर को बाउंड्री लाइन के बाहर, और चार बहुत ही शानदार रन मनोज तिवारी के लिए। कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, अयाज बाउंस के ऊपर आए और लाजवाब शॉट। शुरुआत तो बेहतरीन हुई है भोजपुरी दबंग की, 2.4 ओवर 33 बिना किसी नुकसान। स्ट्रेट ड्राइव, टाइमिंग सही नहीं हुई है, दो रन तो जरूर मिलेंगे, नहीं चार रन। दो फील्डर्स गेंद के पीछे दौड़े और दोनों ही बीट हो गए, देखते रह गए एक दूसरे को, पहले गेंद को देख रहे थे बाद में एक दूसरे को देखते रह गए। और बहुत ही अच्छा स्ट्रेट ड्राइव मनोज तिवारी का, तो जिस नर्वसनेस से पहला ओवर खेले थे ऐसा लग रहा था कि शायद यहां पर कुछ खास नहीं कर पाएंगे, लेकिन दो अच्छे शॉट्स। सैंतीस पहुंच गया स्कोर। ओ, और अच्छा रीड किया, स्लोअर गेंद, अच्छा रीड किया, ओवर समाप्त, तीन ओवर के बाद 37। रेट 12, ओरिजिनल रेट थी 12.05, तो जो रिक्वायर्ड रेट है उसी हिसाब से रन बना रहे भोजपुरी दबंग। ध्रुव काफी महंगे साबित हुए थे पहले ओवर में, लेकिन उसके बावजूद सुदीप ने उन्हें ही गेंद सौंपी है, भरोसा है उनको ध्रुव की गेंदबाजी पर। ऑलराउंडर है कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। छोटी गेंद, फिर लेंथ सही नहीं पकड़ पाए अब तक, वही लाइन आउटसाइड दी ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप पर, और बहुत छोटी लेंथ, इसलिए मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है बल्लेबाजों को बैक फुट पर जाकर कट करना या पंच करना कवर्स, थ्रू द कवर्स। हंड्रेड हार्ट्स इनिशिएटिव, दुधाया प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन विद पीडियाट्रिक हार्ट। कैच हो सकता है लेकिन नहीं,
नो मैन्स लैंड में। तो थोड़े अनलकी यहां पर ध्रुव, फिर से छोटी गेंद, मनोज तिवारी पुल करने की कोशिश, टॉप एज लगा और विकेट कीपर के पीछे सेफली जाकर गेंद गिरी। ये गेंद कहीं भी जा सकती थी, खुश किस्मत मनोज तिवारी के फील्डर के हाथ में या विकेट कीपर के हाथ में नहीं गई। फिसल गए लेकिन कोई रन नहीं दिया। अब तक काफी किफायती ओवर है यार, सिर्फ दो रन आ चुके हैं। और ये ऑफ बैलेंस हो गए, पुश किया है और सिंगल के लिए भागेंगे, आसानी से कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बेहतर ओवर ध्रुव का, पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे, इस बार 5 गेंदों में केवल 3 रन दिए हैं। अच्छा ओवर, उठा के खेला है विदाउट फुटवर्क रोहन, बड़ा ही अजीबोगरीब शॉट लेकिन 4 रन। 4 ओवर के बाद 44 बिना कोई विकेट खोए। जवालीस बिना किसी नुकसान 4 ओवर के बाद